नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद सिंह रावत एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ के ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं और लगातार मैं आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस वीडियो जो लेकर के आ रहा हूं। तो ये है दोस्तों 13 अगस्त का वीडियो, मीन्स कल का ये वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो भी बंदे देने के लिए जाते हैं, कुछ बंदे तो हमें जो है सेंटर से बाहर निकल कर ही देते हैं, कुछ बंदे घर पहुंचकर एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं। तो उन्होंने आज घर पहुंचकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो इनके एक्सपीरियंस को आपको ध्यान से सुनना है। ये एक्सपीरियंस वीडियो का 20वां पार्ट है, 20वां पार्ट है। तो इससे पहले मैं 19 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उनको आप लोग चैनल पर विजिट करके देख लेना है, क्योंकि हर एक भाई का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है और प्रत्येक एक्सपीरियंस को यदि आप सुनते रहोगे तो आपका ट्रेड टेस्ट पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको हर एक बंदे का ट्रेड टेस्ट आसानी से देखना है। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा साथ दीजिएगा और उसको पूरा पूरा देखिएगा, इसको स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्किप यदि आप करते हो, मैंने देखा है यहाँ पर एड्स आने लगे हैं, तो मुझे वो समझ आ जाता है किस प्रकार से क्या हो रहा है। यदि आप स्किप्स करते हो तो उससे क्या है कि पूरा वीडियो नहीं चलता है और आप लोगों के कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। इसलिए हर एक का और आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं क्वेश्चंस को लिखता हूँ फिर बंदे से क्लियर करता हूँ। आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आसानी से। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, एक्सपीरियंस वीडियो का 20वां पार्ट है और इन्हों का कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है। इनके एक्सपीरियंस को आप पूरा ध्यान से सुनना है। इन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो आपका सिलेक्शन बिल्कुल तय कर सकती हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए आरपीएफ ट्रेड टेस्ट नाम से नीचे जो मैंने चैनल क्रिएट किया है उस पर जल्द से जल्द है लाइव से लाइव वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये हमारा स्टडी चैनल है और इसको जल्द से जल्द मैं आरपीएफ के लिए बंद करने वाला हूँ। रीज़न है उसका, हमारी एकेडमिक क्लासेज इससे डिस्टर्ब हो रही हैं, इसीलिए आप लोगों को सभी को जितने भी बंदे हैं वहाँ पर 400 से 500 बच्चे इकट्ठे हो चुके हैं आरपीएफ वाले ही हैं, तो आप लोगों को उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे क्या है आप सभी को जो कोई भी नोटिफिकेशन होगा आरपीएफ का तो आप लोगों को वहीं पर जो उपलब्ध हो जाएगा। ओके, तो आप लोग इनका जो है एक्सपीरियंस वीडियो ध्यान से सुनिएगा। का ट्रेड टेस्ट हो गया सर? जी सर, मेरा ट्रेड टेस्ट हो गया है ग्रुप बी से था, नासिक में। नासिक में हुआ था सर? आप अपना जो है एक्सपीरियंस भाइयों के साथ शेयर करना चाहोगे? जी सर। तो आप सर अपना एक एक एक्सप्लेनेशन दीजिए सर, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ सर? जी सर, मेरा नाम राकेश पांडे है। हमको सुबह 5 बजे 5:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दिया था, पर हमको अंदर 6 बजे किया था, वहाँ पे चौकी कर देना जो पुलिस के, तो वो 6 बजे तक आए थे, तो वहाँ पे 6 बजे अंदर करते हैं। के बाद में वहाँ से अपना ये जो अपना आईडी प्रूफ और ये कॉल लेटर निकला था, ये चेक करके अंदर भेजते हैं। अच्छा, सर गेट पर ही चेक करते हैं कि पहले अंदर घुसने के बाद दूसरा बार और कहीं चेक करते हैं? नहीं 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 सर, गेट पे चेक करते हैं पहले, तो अपना आधार कार्ड आईडी प्रूफ और वो कॉल लेटर, नाम सही तो है ना? आधार कार्ड आईडी प्रूफ और नहीं सर, आधार कार्ड में मतलब आईडी प्रूफ आ जाता है, आधार कार्ड में तुम्हारा नाम सही और कॉल लेटर में तुम्हारा नाम सही, तो किसी भी एक आईडी ले जाना जरूरी है। हाँ सर, सर पैन कार्ड वगैरह चल जाएगा? पैन कार्ड वगैरह सर वो बाद में लगेगा जरूर सर, पहले कटिंग का बता रहा हूँ सर, पैन कार्ड चल जाएगा, मार्कशीट चलेगी कोई? ओके सर, आधार कार्ड पैन कार्ड ये कटिंग में। हाँ सर, उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद में सर हमको अंदर भेज दिया जाता है, अंदर भेजने के बाद फिर लाइन लगा लेते हैं, क्योंकि सर वहाँ 500 बच्चे आते हैं एक दिन में, 500 में से कुछ एब्सेंट रहते हैं, तो 480 तो समथिंग आते ही है सर। उसके बाद में वहाँ पे लाइन लगा लेते हैं सारे बच्चों को, 500 पे इकट्ठा बैठा लेते हैं, फिर जो वो 1 स्टार जिसके रेलवे के रहते हैं वो आते हैं एक लिस्ट लेकर, उनके पास सभी का नाम लिखा रहता है सर लिस्ट में। हाँ लिस्ट में, तो वो लिस्ट लेके सभी को नाम बोलते, मतलब नंबर नाम बोलते हैं, जिसका भी नाम आ गया जैसे उनको नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे चलता है 480 तक जितने भी लड़के रहते हैं, तो सभी को नंबर बोल नाम बोलते हैं, तो उसको खड़ा करते हैं और 56 लड़कों की एक बेंच बनाते हैं। सर एक बात और बताइए सर। हाँ सर, जो नंबर जैसे कि वो बोल रहे हैं सर, उस नंबर पे यदि वो बच्चा नहीं पहुंच पाया तो सर उसको वो वाला नंबर नहीं देंगे फिर? नहीं नहीं सर, फिर वो नंबर है ना सर, हाँ वो नंबर किसी को नहीं देंगे। अच्छा, वो नंबर किसी, वो लड़का यदि बाद में आ जाए तो उसको भी नहीं मिलेगा फिर से? अगर सर वो जैसे कि मैं बताऊँ सर, अगर वो लड़का आया 4-3 मतलब 4-3 बजे पहले पहले आ गया या 2 बजे पहले पहले, क्योंकि 2 बजे तो खत्म हो जाता है टेस्ट, दुबई तक तो खत्म हो जाता है। हाँ 2 बजे तक वो लड़का आया, थोड़ी बहुत भी लेट 12-1-2 तो उसका हो सकता है, अगर इसके बाद में आया फिर कुछ भी नहीं होगा सर उसका, क्योंकि वहाँ अकेले के नहीं होता, तो बीच में होता है ना, तो सब फिर उस जो सर बैठे रहते हैं ना वो निकल जाते हैं सर वहाँ से, इसलिए तो हम 10 बजे गया था, 12 बजे तक पहुँचना था अनिवार्य है सर। इसके बाद में सभी को नंबर मिलते हैं सर वहाँ से, वहां से अपने को 56 लड़कों की एक बैच बनाते हैं सर। 56 लड़कों की एक बैच?
हाँ तो हमारे टाइम पे 8 वेज बनी थी सर। 8 वेज बनने के बाद सर फिर एक बिल्डिंग में भेजते हैं अपने को, तो वहाँ पे बिल्डिंग है सर, तो उस बिल्डिंग में अपने को बिठा देते हैं। वहाँ पे वो आते हैं सर बताने के लिए अपने को कि कैसे क्या करना है, रोटी बनाना है तो रोटी में आट आट लगाना है तो सही से बनाना है, जलाना नहीं, और कुछ भी तुमको बनाना है आमलेट बनाना है तो जलाना नहीं है, बिल्कुल गोल रहना चाहिए, गोल रहना चाहिए और फूटना नहीं चाहिए। तुमको पराठा बनाना है तो त्रिकोण बनाना है, चार कोण बनाना है तो जलाना नहीं है। मतलब वो अपन को पहले से ही सब कुछ बता रखते हैं। हाँ नहीं वो नहीं बताते, पर जो अपने का सीआरपीएफ रहती है ना वहाँ की, जो वो लोग डेली देखते रहती है क्या करना है क्या नहीं करना है, वो उनका एक्सपीरियंस अपने साथ शेयर करते रहते हैं जिससे कि वो अपनी मदद करना चाहते हैं। और जो जो वहाँ पे अब ड्यूटी पे लगे हुए हैं ना वो सब बताते रहते हैं सबको कैसे करना है। और वहाँ पे कैसा कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, बहुत कम को ले रहे हैं वहाँ, जो जितना अच्छा करेगा उसको ही लेंगे। तो फिर यहाँ से जो 56 लड़कों की एक बेज होती है ना सर, इसको यहाँ पे बैठना पड़ता है कम से कम 1 घंटा सर, क्योंकि 8 बेज रहती है, एक के बाद एक का नंबर आता है। तो पहली दो जैसे टाइम नहीं लगता है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ तक तो जल्दी हो जाता है, फिर फोर्थ के बाद में जैसे 10 बेज बनी टोटल आ गए ना तो पांच हाँ, पांच की डिश कर लेंगे वो। मतलब जैसे दस दस ही बेच बने तो जल्द से जल्द निपटा देंगे वो। नहीं सर निपटाएंगे तो वो जितने कम रहेगी उतनी जल्दी हो जाएगा, पर जैसे 10 बेज बनी नहीं तो पहले 5 का करवाएंगे ना, मतलब कि ट्रेड टेस्ट, हाँ और उसको आगे ले जाके उसका रिजल्ट भी फिर इंस्टूडेंट दे देंगे, और फिर 5 का इधर ट्रेड टेस्ट चलता रहेगा, इधर उनका रिजल्ट आ जाएगा, 5 का ट्रेड टेस्ट खत्म हुआ फिर उनका रिजल्ट आएगा, ऐसा मतलब जो जो जितनी जल्दी बेच में रहेगा ना उसको उतना जल्दी हो जाएगा। ऐसा है सर, हाँ और सर मीन्स इसके कहने बाद का क्या मतलब होता है वो जैसे कि जल्द से जल्द फ्री कर देते हैं, यदि आपका पहले हो गया तो आप पहले फ्री हो जाओगे। हाँ हाँ सर इसके बाद क्या होता है सर, जैसे कि अपने को बिल्डिंग में ले गए 56 लड़कों का एक बेज बना के, हाँ तो उसके बाद में फिर अपने को वो 56 ही लड़के के आगे जाते हैं, आगे जाने के बाद फिर उसका 56 में से 14 का एक बेज बनाते हैं, मतलब 4 बेज बनते हैं फिर उसमें, क्योंकि हाँ वहाँ पे 14 भट्टी लगी है, मतलब 14 कनेक्शन है वहाँ पे वो किचन टाइप, तो उसमें से 14 14 के 4 बेज बनाते हैं, फिर हाँ वो 14 बेज आगे ले जाया जाता है उन 14 को, तो 56 फिर वहाँ आधे वहीं रुक जाते हैं, मतलब 14 आते हैं उसमें से आगे, है ना सर। एक ग्रुप रहता है, मतलब वो जो जो बेच मिली तुम्हें 5 मिली या 6 मिली, उसमें से 14 का एक ग्रुप आया, तो हाँ सर वो ग्रुप को फिर आगे ले जाके उसके चित्र से निकला होगा, हाथ हाथ दोहराते हैं क्योंकि उनने पहना है सूझ बूझ, तो हाँ निकला होगा आगे ले जाते हैं। आगे ले जाने के बाद वहां से फिर सभी को, जैसे 14 लड़के हैं ना वहां पे, तो हाँ जो पहले नंबर पे आया जैसे उसमें जो नंबर रहते हैं अपने, उसके बाद में फिर जो 14 लड़के के 14 नंबर रहते हैं सर, 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं फिर वहां पे, हाँ तो जैसे अपन कौन से नंबर पे खड़े हैं तो वही अपना फिर किचन का नंबर हो जाता है। क्या ऐसा। हाँ तो वो किचन का नंबर हो जाता है, फिर वहां पे अपने को पहले से टेस्ट चला रहता है, वहां पे अपने को भी ले जाए जाके खड़ा कर देता है, पीछे मुड़ने नहीं देते वहां पे, पर अपन चुपके से देख सकते हो और देखना चाहो, फिर हाँ सर, सीसीटीवी लगे रहते हैं पर थोड़ा बहुत तो दिखता है, हाँ सर, देखते हैं सब। हाँ तो फिर वहां से उनका जैसे टेस्ट खत्म हुआ फिर अपना नंबर आ गया, तो सर, फिर अपने को वहां से नंबर हाँ मिल गए सारे, नंबर हाँ सर, आप थोड़ा मिल सर अंदर का इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन करना कि किस प्रकार से क्या क्या इंस्ट्रूमेंट वहां पर रखे हुए हैं। हाँ 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 वही वही सबको, करना चाह रहा हूँ सर अपने, हाँ तो सर, अपने को अंदर ले गए, अंदर अपने को 1 से 1 मिनट तो वहां पे खड़ा रहना पड़ता है अपने गेस के सामने, हाँ तो वहां पे अपने को क्या करना है सर, जैसे ही गए ना अपन हाँ तो अपने को ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि अपना लाइटर कहाँ पे रखा है, अपना तवा कहाँ पे रखा है, और अपना सब सारे सामान तेल कहाँ पे रखा है, ये कहाँ पे रखा है, जो अपने को देंगे वो बाद में बताएंगे, पर पहले अपने को सारी चीज पे ध्यान रखने ना, कपड़ा हाँ कहाँ पे रखा है ये कहाँ पे रखा है, मतलब हाँ 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 पूरे तरीके से अपने को किचन अपने मायने में बीतना चाहिए, अपना सामान सारा ये ऐसे ऐसे रखा है ऐसे ऐसे रखा है, तो हाँ सर, अपने को वो टाइम देते उस टाइम में करना जरूरी है सर। हाँ ये भी सही है सर। तो वहां पे देखने के बाद अपने को देखने के बाद जैसे ही वो फिर वो जो IAS देते हैं ना सर वहाँ के, वो अपने को हम मतलब फिर टास्क देते हैं, जैसे हमारे टाइम पे हमको 2 टास्क दिए थे सर, तो क्या टास्क दिए थे सर हाँ आपको? हमें दिया था पराठा बनाओ या आमलेट बनाओ सर, पराठा क्या बनाओ सर? पराठा या या आमलेट? आमलेट, हाँ
उसके बाद में सर तो मैंने तो पराठा बनाया था, हाँ सर, बहुत सालों ने ऑमलेट बनाया था, तो वहाँ पे तेल देखने पड़ता, तेल नीचे रखा रहता है सब सामान, तो अपने पीछे है सर एक पुलिस वाला अपने पीछे रहता है ना, और तीन चार अपने आगे रहते थे, तो उसका सारा ध्यान सभी सारे के इंस्टीट्यूट पे रहता है सर, पीछे जो सबसे पीछे एक रहता है और आगे भी चार रहते हैं सर, तो सर सभी देखते रहते हैं मतलब ये क्या। हाँ तो स्टार्टिंग में जाते समय तुम ऐसे नहीं लगी जाओ, वहाँ पे कपड़ा भी रखा रहता है तो उसको साफ करना है पहले अपने को, जैसे कि अपने को रोटी बनाना है तो वो वहाँ पे रहता है, वो साफ करने के लिए तवा और अपन जिसपे रोटी बेलते हैं वो, इस सब को साफ करके अपनी कटोरी भी रहती है सर वहाँ पे, चम्मच साफ करके तेल वेल डाल, और वहाँ पे बट्टी बड़ी रहती है सर, क्या ना सर अधिकतर मिलती है सर रहे सर वहाँ पे, वहाँ पे रहती बट्टी बड़ी तो बड़ी भट्टी के बारे में थोड़ा बताइए सर, किस प्रकार से उसको यूज करें, क्योंकि बच्चे इसी में बहुत घबरा रहे हैं सर। उसको यूज ऐसा करना है सर, लेफ्ट हैंड से पकड़ना है उसको और लेफ्ट साइड से उसको घुमाना है हल्का सा, हल्का सा मतलब मतलब हाँ, उसमें क्या वो बहुत सारे क्या इसको तो चलाना ही नहीं आया किधर चलेगी किधर नहीं चलेगी, कोई राइट चल रहा है तो उसको सबसे सिंपल करना है सर, लेफ्ट हैंड से पकड़ना है, लेफ्ट हैंड ही घुमाना है उसको, वो बिल्कुल हल्का सा घुमाना है, हाँ सर, बहुत सारा तो ऐसे घुमा रहा है नहीं वो तो गैस बाहर निकलती है तो वो आधे समय से बाहर कर देते हैं क्योंकि ये इतना गैस जलाएगा ये वो, तो हल्का सा घूमना और लाइटर वहां पे बड़ा है सर, तो उसका भी ध्यान रखना हाँ। तो बहुत सारे से चलता नहीं है, बहुत सारे ने नहीं चला है हाँ। उसको ध्यान रख के। तवा सर के तवा वगैरह कैसे हैं सर, क्या सर तवा उल्सा बेलन किस प्रकार के हैं सर? सर वहीं पे रखे सारे सर, सर उसको अलग है थोड़े मतलब पतले वाले पर हो जाता है जिसने बनाया उसने, हाँ सर वो थोड़ा मतलब पतले हैं पर हो जाता है जिसने बना रखे ना मतलब, पर थोड़ा अटपटे लगते पर हो जाता है क्योंकि अपने जो यहाँ पे यूज करते हैं वो थोड़े अलग रहते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा अलग है पर आ जाता है उससे बोल कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर बोलिएगा सर और आगे। तो फिर इसके बाद में सिर्फ तो वहाँ पे मतलब ये दे दिया उन्होंने, बोल दिया कि बनाओ मेरा पराठा, और जो तीन में से दो का और दो ने और पराठा बनाए थे और बाकी सबने आमलेट बनाया था, तो किसी का आमलेट मतलब आमलेट ऐसा बनाना अगर बना रहा है तो टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए टूटना नहीं चाहिए, और मतलब ऐसा नहीं रहना चाहिए कहीं कच्चा और कहीं जला दिया ये वो, बिल्कुल एकदम एक जैसा। तो उसके बाद में सर मेयर को मैंने पराठा बनाया था, मेयर को आगे भेज दिया उसकी मतलब फिर वो टेस्ट करते हैं जो मतलब वो देते ना दिया है, मेरे को आगे भेजे दो लड़के को भेजे, चार लड़की गई थी उसके साथ उसके लिए, हाँ सर, तो मेरा नंबर दूसरा आया था सर, तो मैं पहले नंबर एक को एक मतलब पहले नंबर मेरे से आगे खड़ा था तो उसका चेक किया है ना, हाँ सर, तो उसका वो फिर मेरा चेक किया तो उसने बोला तुम्हारा इससे ज्यादा बेटर है, हाँ सर, फिर तीसरा आया तो उसका भी मेरे से कम ही निकला था, चौथा आया सर उस टीम में से मेरे को केवल में एक ही सिलेक्ट हुआ था। सर हमारे जो साथ वाले थे ना मेरे दोस्त उसमें कंपनी बनवाई गई सर, मतलब सर एक ही साथ सभी लोगों से अलग अलग काम करवाए सर? हाँ सर, जो 14 लोग थे ना हाँ, उससे तो पराठा या आमलेट कोई एक ही था, हाँ सर, और जैसे 14 लोग हम बाहर निकल गए फिर मेरा दोस्त मैं गया था मतलब उसके बाद में आया था, वो हमारी बेंच में था मतलब 4-5 में, हाँ सर, तो 14 के बाद में आया था उसका नंबर मतलब 17 नंबर में था, तो उनके टीम से सब्जी बनवाई गई थी, तो सब्जी भी 8 मिनट में काटना भी और बनाना भी और आलू छील के करना, 5 मिनट में काटना भी है बनाना भी है सर। आपने भाई का नाम दे सकते हो क्या, क्या मतलब उनका जो किया था उनका सब्जी वाले का? सर मैं आपको सेंड कर दूंगा, ओके सर, वो क्या है वो देखता नहीं है सर यूट्यूब, तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा सर, हाँ सर वो तो ऐसे ही मैं नंबर दे दूंगा आपको बात कर लेना, ओके सर, ओके सर, और आप बता दें मैं बताना चाहता हूँ सर डॉक्यूमेंट में जल्दी से ज्यादा गलती हुई लड़कों से क्योंकि पास हो जाते ना, हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद हमारा हाँ सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सर मेन चीज है सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट सर, उसका सर किस प्रकार का रहता है सर, वो इंग्लिश में रहता है हिंदी? इंग्लिश वाला सर, फुल इंग्लिश, उसमें कहीं से कहीं तक कुछ हिंदी नहीं? हाँ सर फुल इंग्लिश रहता है सर। सर कलर कैसा रहता है उसका, पीला? नहीं नहीं सर वाइट रहता है सर उसका, वाइट कलर तो स्टेट है सर, अच्छा सर, जो पीला वाला है ना वो स्टेट का है और जो सेंट्रल का था ना वो वाइट आता है बिल्कुल सर, उसमें अपने इससे साइन देते हैं सर अपने, मैंने भी आज ही बनवाया सर क्योंकि मेरा भी था ना, हाँ सर, तो मीन्स जो जिन लोगों का नहीं है उनको बाद में बनाने का टाइम दे सकते हैं ना? हाँ सर
20 तारीख दिया था, क्योंकि 20 तारीख तक चलेगा तो वो तो 20 तारीख तक जमा करना है इसमें। हाँ सर। तो अपना पहला तो ये सेंट्रल के साथ कास्ट सर्टिफिकेट, यस सर। फिर अपना हो गया टेंथ की मार्कशीट, टेंथ की मार्कशीट, प्रमाण पत्र। मतलब अभी तो बाद में तो सही प्रमाण पत्र साथ लाने लग गए, पर पहले वो डेट ऑफ बर्थ के लिए अलग से देते थे सर, तो वो जरूरी ले जाए। प्रमाण पत्र भी ले जाना है। और 12th की मार्कशीट। हाँ सर। 12th की मार्कशीट के बाद अपना आई प्रमाण पत्र पापा का है अपना जिसका भी हो। हाँ। और इसके बाद मूल निवासी अपन जहाँ पे रहते हैं वहाँ। अगर तुमने ग्रेजुएशन की है तो वो लगा सकते हैं, कोई सा कोई अनिवार्य नहीं है सर, उसके लिए आप लगाओ या मत लगाओ। यस सर। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो लगा सकते हो, ये तुम्हारी इच्छा हो लगा सकते है तो, पर ऐसा अनिवार्य नहीं है सर, जो मैंने पहले बताया वो अनिवार्य है सर। तुम्हारी हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है ना वो लगा सकते हो, जो बोला था हमने। हाँ। और नहीं लगाना चाहो तो मत लगाओ, ये भी बोला था। हाँ। मतलब कोई अनिवार्य नहीं सर। तो ये इतना तो सर जरूरी है, 4-5 डॉक्यूमेंट और 2 फोटो अपने, और इन आपकी फोटो कॉपी ले जाना अनिवार्य सर, वहाँ पर फोटो कॉपी भी बहुत दूर होती है तो बहुत परेशान होना पड़ता है ऐसा। चलो, और आप कुछ सर ऐसा कहना चाहोगे जिससे भाई लोग थोड़ा मोटिवेट हो सर? सर मैं ये कहना चाहूंगा जैसे कि अपने 14 की डेट बनी जिसके लिए अपने बंदा भेजा जाता है स्टेट टेस्ट के लिए, तो वहाँ पे क्या है सर कि अपने से जो पहले गए वो आटा, अगर आटा पहले ही बना गया तो आटा गीला हो जाता है। हाँ सर। और बहुत सारे टाइप करके डाले जाते हैं तो उसको जरूर ध्यान देना है तुमको, क्योंकि वहाँ पे जो तुमको टाइम के टाइम चलते ना तो अपना माइंड काम नहीं करता था कि कैसे जगह है अपन। हाँ सर। तो उसको अपने को ध्यान देना, अगर गीला है तो थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं अपना आटा लेके, गिहरी बनाते हैं ना उस समय, समय हल्का सा टाइट कर दो तो रोटी अच्छी आएगी, गीला है तो उसको थोड़ा सा और कर लो तो वो थोड़ा टाइट है, थोड़ा गीला हो जाए। सर आपका शुभ नाम क्या है सर? सर मेरा नाम राकेश सोंदिया है सर। और आप क्वालिफाई हो चुके हो सर? हाँ सर। बोलिए सर। और बोलिए सर। हाँ सर। हाँ। और उसको बत्ती को बिल्कुल हल्का चलाना है सर। हाँ सर। आधे रात को बत्ती को तेज चलाने में बाहर, क्योंकि वो बत्ती बहुत तेज चलती है, हवा पहले से ही गर्म रहता है। हाँ सर। तो तुमको धीरे धीरे चला के मेंटेन करके रखना है बस उसको। ओके सर। तो अगर तेज चलाएंगे तो वो दवा बहुत, वो दवा उसका है सर, तो वो जल्दी ठीक हाँ। सर, और कुछ सर कहना चाहोगे सर आप बच्चों से? हाँ सर, मैं ये कहना चाहूंगा जिनका भी टेस्ट है वो बिल्कुल शांत माहौल में रहे, मतलब और आपने आस पास बिल्कुल सफाई का ध्यान रखा, क्योंकि वहाँ पे सारी नजरें सफाई की है और किस तरह से तुम काम कर रहे हो ये देखा जाता है, तो ज्यादा कुछ नहीं सर, और जो अच्छा करेगा उसको लेंगे, कुछ नहीं थे किसी को भी ले रहे वहाँ ऐसे सर। और वहाँ पे 500 में से मात्र 50-60 अधिकतर पास होते हैं सर। चलो अच्छा अच्छा दौड़ना, बिल्कुल नॉर्मल रहो, अगर तुम घबरा गए वहाँ पे जाके तो तुम्हारा हाव भाव भी देखे जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं घबरा रहो ये रोड पर कहाँ है, ये कहाँ वो कहाँ मेरा, मेरे को मिल नहीं रहा, ऐसा नहीं करना था वहाँ, बिल्कुल शांति भाव से बना के, और सर को सर आएंगे अपने चेक करने, फिर चेक करने के बाद फिर अपने को आगे भेजते हैं। हाँ। फिर अपना आगे भेजते हैं, अपना जो फाइल रखी रहती है उसमें अपना ठीक हो जाता है, अगर तुमने सही बनाया तो फिर तुम्हारा बाद ही बाद में लास्ट नंबर तुम्हारा मतलब पक्का हो जाता है, जिसके बाद में रिजल्ट आता है। हाँ सर। फिर जब पता चलता है तुम कहाँ से। ऐसा सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो कीमती समय अपने भाइयों को दिया सर। सर इसको जल्द से जल्द सर 11 बजे तक सर हम आपको यूट्यूब पर उपलब्ध करवा देंगे सर, MCG Academy ग्वालियर। थैंक यू सर। ओके सर, धन्यवाद।